स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग करेंगे जो हमने कल आपको बताए थे प्रिंसिपल, उसके फीचर्स। आज हम करेंगे उनकी इम्पोर्टेंस, कि हमने जो मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल बनाए, डॉक्टर फ्योल ने बनाए, F.W. टेलर ने बनाए, और 14 प्रिंसिपल जो डॉक्टर फ्योल ने बनाए वो यूनिवर्सल हैं, सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो बिजनेस टर्म हो चाहे वो नॉन बिजनेस टर्म्स हो। आज हम करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस। प्रोवाइड द यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स। मैनेजर्स हु मैनेज द मैन पावर, हु मैनेज द All activities of the business or non-business organizations। अब उन्होंने अपनी एक पढ़ाई की हुई है, books knowledge ली हुई है, और उन्होंने एक अच्छी डिग्री हासिल की हुई है MBA के द्वारा और courses करके। उसके बाद भी जब वो practical काम करने के लिए जाते हैं, practice में काम करते हैं, तो ये प्रिंसिपल उनको एक गाइडलाइन के रूप में और ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और उनकी जो डिसीजन पावर है अपने काम के प्रति वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वो इन प्रिंसिपल्स को बेस मानकर अपने कार्य को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है साइंटिफिक डिसीजन। पहले हमारे मैनेजर्स होते थे, वो मैनेजर होते थे ट्रेडिशनल्स, उनके द्वारा मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते थे वो ट्रेडिशनल थे, पुराने रीति रिवाजों पर निर्धारित थे। परंतु आज के हमारे मैनेजर्स जितने भी डिसीजन लेते हैं वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स करके लेते हैं, और उनके द्वारा लिए गए डिसीजन बैलेंस डिसीजन होते हैं, और बैलेंस डिसीजन ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेल्दी इन्वायरमेंट पैदा करते हैं और उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मीटिंग द चैलेंजेस इन्वायरमेंट। अब हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेज आती रहती हैं, जिस प्रकार से आपके यहाँ मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी बरसात का, कभी बसंत का, उसी प्रकार से हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कभी पॉलिटिकल चेंज आता है, कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार होती है। अब पिछली सरकार उसके अपने व्यापार के प्रति व्यूज हैं, और इस सरकार के अपने व्यापार के प्रति अलग व्यूज हैं। जैसे इस समय मोदी सरकार है तो उसने एकदम से GST लगाया, उन्होंने एकदम से नोटबंदी किया, इसका सीधा इम्पैक्ट सभी प्रकार के बिजनेस पर पड़ता है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दो प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके पॉलिटिकल, एक तो आपका होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। जब इन्वायरमेंट केवल और केवल एक इंडिविजुअल बिजनेस को इंपैक्ट करता है वो कहलाता है माइक्रो, और जब सब प्रकार के बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है उसको हम कहते हैं मैक्रो। तो ये इंपैक्ट का सामना करने के लिए हमारे जो प्रिंसिपल हैं मैनेजर्स को पूरी तरह से इनसे लड़ने के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर करते हैं। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हमने आपको प्लस वन में भी चैप्टर पढ़ाया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, क्योंकि कंपनियों में पैसे लगाने वाले अलग व्यक्ति हैं, उन्हें हम ओनर्स कहते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं, इन्वेस्टर्स कहते हैं, डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और उनकी तरफ से काम करने वाले हमारे एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, जिन्हें आप जनरल मैनेजर कहते हो, CEO कहते हो, डिपार्टमेंटल वाइज मैनेजर्स कहते हो,
तो डिपार्टमेंटल वाइज मैनेजर्स हों, सीईओ हों, जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज करते हैं उनकी ड्यूटी हमारे समाज के प्रति बनती है। तो ये हमारे प्रिंसिपल मैनेजर्स को अब केवल अपने मालिक के प्रति ही नहीं समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि आज तुम्हारी समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और टू प्रोवाइड द गुड्स एट द चीप कॉस्ट एंड एट द बेस्ट क्वालिटी। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द कस्टमर। इसी प्रकार से मैनेजर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द वर्कर, टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द कंपिटिटर, ये सारी बातें ये प्रिंसिपल एक मैनेजर को गाइडलाइन देते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, हमारे जो ये प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के लिए एक शिक्षा प्रदान करते हैं जिसे हम कहते हैं एजुकेशन। जब वो व्यक्ति शिक्षित हो जाते हैं, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उनको उस काम में परफेक्ट करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग। फिर वो उस काम के अंदर और मास्टरी गेन करें तो ये प्रिंसिपल उनको और रिसर्च करने के लिए कामयाब बनाते हैं ताकि वो और नए से नए प्रिंसिपल बनाएं। अब पहले हमारे प्रोडक्शन करने के जो सिस्टम थे वो कितने बड़े थे और उन पर कितनी मैन पावर की ज़रूरत होती थी और कितना टाइम कंज्यूम होता था, आज हमारे इन प्रिंसिपल की वजह से F.W. टेलर ने बेस बनाए, कुछ टूल्स बनाए, अब हमारे जो नए नए वैज्ञानिक आ रहे हैं वो उन्हीं टूल्स को बेस लेकर और नैनो सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं और नई मेथड बना रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और उसके कारण प्रोडक्शन करना और भी कितना आसान हो गया और कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट हमें चीप पड़ती है और कितना बेस्ट क्वालिटी का प्राप्त होता है। तो ये केवल और केवल इन प्रिंसिपल की सहायता से ही पॉसिबल हो पाया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल।